नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा के लेबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी में विलोम। विलोम शब्द, जैसे विलोम होता कैसे है, विलोम बनाते कैसे हैं, वो सब तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था और हमने स्टार्ट कर दी थी प्रैक्टिस। और आपको कहा भी था कि प्रैक्टिस जितनी मैंने कराई है उतनी आप भी करिएगा। कोई बुक मिलती है तो बुक से करिएगा, अदरवाइज बुक की कोई जरूरत नहीं। जितने भी ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हैं, बहुत कह लीजिए प्रीसियस क्वेश्चन का सेट आपके पास लेके आती हूँ, जो बहुत सारे एग्जाम्स में आए हैं। स्पेशली आप कह लीजिए टेट, सुपर टेट, सी टेट और टेट टीचिंग रिलेटेड एग्जाम और वनडे एग्जाम और आर ओ के एग्जाम के लिए जो सेट मैं ला रही हूँ बहुत उपयोगी है। क्वेश्चन निश्चित रूप से इसी में से आएंगे, आपके इसके बाहर कहीं कुछ भी नहीं आएगा। जितने प्रैक्टिस सेट मैं कराती चल रही हूँ, आप साथ के साथ करते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। नोट डाउन करने से क्या होगा, आपको बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चन बहुत सारे मिल जाएंगे और साथ के साथ आपको याद होता जाएगा। तीन फायदे इसके हैं। और चौथा फायदा ये है कि आप जब कभी रिवीजन करना चाहें तो रिवीजन भी कर लेंगे। और वीडियो आप जैसे आप ऑन करते हैं, ऑन करते ही वीडियो अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, अपने कम से कम 10-15 फ्रेंड को तो एक बार में शेयर करिए ही, और रिवीजन करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उस पर कमेंट भी जरूर डालिए, अप्रिसिएट करते रहिए। हम स्टार्ट करते हैं फिलहाल विलोम की प्रैक्टिस, ठीक है। विलोम शब्द बताया ही है, किसी शब्द का उल्टा, इंग्लिश में जिसको अपोजिट बोलते हैं वही विलोम शब्द होता है। तो विलोम की लास्ट प्रैक्टिस हमने करी थी, उसके आगे की क्वेश्चन हम देखते हैं। दृष्ट, विलोम जानने के लिए उसका बनाने के लिए उसका अर्थ जान लेना बहुत जरूरी होता है, जिससे विलोम जो चार ऑप्शन आपके पास आते हैं उसमें से छांटने में आसानी रहती है कि इसमें कौन सा हमारा वो वाला विलोम है जिसको हमें गोला भरना या टिक करना है। तो अर्थ जान लेना बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा। पहला शब्द हमारा आता है दृष्ट। दृष्ट का मतलब होता है कि बहुत रूट, जिसका स्वभाव है, स्वभाव मतलब जो बहुत अच्छा ना हो, विनम्र ना हो, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा दृष्ट का? विनीत। दृष्ट का विनीत। अधैर्य दूसरा शब्द हमारा आता है, अधैर्य। अधैर्य जिसमें धीरज ना हो तो उसका क्या हो जाएगा? धैर्य। ठीक। तीसरा शब्द हमारा आता है तृप्त। ठीक है, तृप्त का जो पूरी तरह कह लीजिए कि अपने आप में बिल्कुल संतुष्ट हो तो उसका क्या हो जाएगा? अतृप्त, मतलब संतुष्ट ना हो। शांत, शांत का क्या होगा? जो बहुत हमेशा चुपचाप रहता हो, बिल्कुल बोलता ना हो, तो उसको शांत होगा, शांत का हो जाएगा अशांत। बहुत आसान सा है, कल आपको बताया था कि उसमें अ लगा के भी बनाते हैं शांत का अशांत। परोक्ष, परोक्ष मतलब जो हमारे सामने ना हो, दिख ना रहा हो, तो उसका विलोम हो जाएगा प्रत्यक्ष। ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है प्रच्छन्न। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न मतलब जो हमको दिख ना रहा हो, कहीं हो हमारे आसपास लेकिन दिख ना रहा हो, जैसे ईश्वरीय शक्ति हम बोलते हैं तो उसको प्रच्छन्न होती है, तो उसका विलोम क्या होगा? प्रकट। अगला क्वेश्चन हमारा आता है मुखर। मुखर मतलब जो बोलने में बहुत खुला हो, बहुत आसानी से बोल देता हो, मुखर, तो उसका अपोजिट हो जाएगा मौन, जो कि हमेशा मौन रहता हो, कम बोलता हो, विलोम हो जाएगा। ठीक। बंधन, बंधन जिसमें जिसको हमने बांध लिया हो, ठीक है, जो किसी एक हमारे बंधन में रहता हो, बंधन का अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट मतलब कह लीजिए बंधन विलोम। मोक्ष, मोक्ष मतलब वो मुक्ति पा गया हो, बंधन मतलब बंधा हुआ हो और मोक्ष मतलब मुक्ति पा गया हो। मूक मतलब जो कम बोलता हो या ना बोल पाता हो, उसका हो जाएगा वाचाल। वाचाल का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा बोलने वाला। ठीक है। अगला शब्द हमारा आता है मोम। मोम जैसे हम अपने बातों में भी कहते हैं वो मोम सा मुलायम, मोम बहुत मुलायम होता है, तो मोम का अर्थ होता है मुलायम, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? पत्थर। पत्थर बहुत सख्त होता है, तो मोम का पत्थर। उपार्जित,
उपार्जित मतलब जो चीज हमने अर्जित की हो, ठीक है। उपार्जित का क्या हो जाएगा? उपार्जित का हो जाएगा अनुपार्जित। उपार्जित का तिरस्कार, तिरस्कार जिसका मतलब जिसकी इज्जत ना की जाए, तिरस्कार का सत्कार, सत्कार यानी जिसका आदर किया जाए। पुरस्कार, पुरस्कार मतलब जिसको इनाम दिया जाए, तो इन पुरस्कार का अर्थ होता है इनाम देना, ठीक है। तो उसका विलोम हो जाएगा दंड, यानी कि उसको दंड दे देना। सम्मान, सम्मान का मतलब उसको बहुत आदर देना, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? अपमान। ये सारे शब्द हैं जो हम डेली भाषा में यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इसको फाड़ के अर्थ निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर दे देना है, उसी से अपना एग्जाम पेपर, एग्जामिनेशन पेपर मतलब क्लियर करके फाड़ देना, उतनी जरूरत है। शर्मनाक हम डेली भाषा में यूज करते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि इसका अर्थ आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। शर्मनाक इसको कह सकते हैं, सम्मान नहीं, सम्मान पूर्ण नहीं होगा, मान पूर्ण ही मान लेते हैं, ठीक है। शर्मनाक घटना, लुभावना, लुभावना मतलब जो हमको आकर्षित करे, उसका भी विलोम हो जाएगा घिनौना, जिसे देख के हमारे मन में घिन आए। आकर्षित, आकर्षित जो हमको अट्रैक्ट करे, उसका हो जाएगा प्रतिकर्षित या विकर्षित भी कहते हैं, कि मतलब हमको आकर्षित ना करे। विहित, विहित का अर्थ हो जाता है कि हम जिसके साथ में रहे, ठीक है। तो उसका अपोजिट हो जाएगा निषेध, विलोम हो जाएगा निषेध। अहित, अहित किसी का हित ना करना, तो उसका अपोजिट हो जाएगा हित। रहित, जो चीजें वहां पे ना हो, जैसे ये है निब रहित, इसमें मान लो पेन टूट गई हो, ये ना हो, तो निब रहित मतलब निब ना हो, तो उसमें उसका विलोम हो जाएगा सहित, ठीक। तामसिक, तामसिक मतलब जिसमें तमस बहुत हो, तो उसका विलोम हो जाएगा सात्विक, ठीक। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब भगवान और पूजा महिमा इन सब के बारे में, तो उसका हो जाएगा भौतिक, विलोम भौतिक, ठीक। आस्तिक, आस्तिक जो भगवान की पूजा पाठ और भगवान की श्रद्धा में बहुत ज्यादा विश्वास करता हो, तो उसका विलोम हो जाएगा नास्तिक। यथार्थ, यथार्थ का मतलब जो सचमुच आपको दिख रहा हो, प्रकट हो रहा हो, उसका विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम, मतलब जिसमें बनावटीपन हो, यथार्थ में बनावटीपन नहीं होता है। उचित, उचित मतलब कि जो कि बिल्कुल सही हो, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? अनुचित, ठीक। औरत, औरत का विलोम क्या हो जाएगा? औरत यानी फीमेल, उसका विलोम हो जाएगा मर्द या फिर आदमी। खाली, खाली मतलब जो जगह ब्लैंक हो, रिक्त हो, तो उसका क्या हो जाएगा? भरा। चित, चित मतलब एकदम सपाट, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? पट, जैसे हम सिक्का देखते हैं चित पट, या बात में यूज करते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब इधर भी उधर भी, तो चित का क्या हो जाएगा? पट। शांति, शांति का हो जाएगा युद्ध। सृजन, सृजन का अर्थ होता है कुछ बनाना, तो सृजन का क्या हो जाएगा? विलोम संहार, या इसको हम विनाश कह सकते हैं, विनाश से बिगाड़ देना जो बना है।
ठीक है। इस तरह हमने 30 शब्दों की प्रैक्टिस कर ली। एक दिन में अगर मैं आपको 100 शब्दों की भी प्रैक्टिस करा लूँ, आप लिख ना पाए, याद ना कर पाए, तो वो भी सही नहीं होगा। मैं ऐसे ही 30, कल जैसे मैंने 40 शब्दों की प्रैक्टिस कराई, आज 30 शब्दों की प्रैक्टिस कराई, तो ऐसे ही ऐसे हम 30, 40, 50 ऐसे शब्दों को बढ़ाते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। आप इन शब्दों को ही दोहराते रहिए, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन के सेट लेके मैं आऊंगी। एक बार जो हमने पढ़ा है फिर से दोहरा लेते हैं। दृष्ट का विनीत, अधैर्य का धैर्य, तृप्त का अतृप्त, शांत का अशांत, परोक्ष का प्रत्यक्ष, प्रच्छन्न का प्रकट, मुखर मौन, बंधन का मोक्ष, मूक का वाचाल, मोम का पत्थर, उपार्जित का अनुपार्जित, तिरस्कार का सत्कार, पुरस्कार का दंड, सम्मान का अपमान, शर्मनाक सम्मानपूर्ण, लुभावना घिनौना, आकर्षित प्रतिकर्षित या विकर्षित भी हो सकता है, विहित का निषिद्ध, अहित का हित, रहित का सहित, तामसिक का सात्विक, आध्यात्मिक भौतिक, आस्तिक का नास्तिक, यथार्थ का कृत्रिम, उचित अनुचित, औरत मर्द, खाली भरा, चित पट। जब आप ये सब चीजें पढ़ते रहिए तो अपने कुछ एक्शन करते रहिए, शांति, युद्ध, सृजन, संहार। जैसे हम शब्द लेते हैं धृष्ट, विनीत, तो ये एक्शन जो होते हैं वो भी हमको याद करने में शब्दों को मदद करते हैं। अधैर्य, धैर्यपूर्ण, तृप्त, अतृप्त मतलब पानी प्यास लगी थी, तृप्त हो गया, शांत अशांत, जैसे घर में दो भाई बहन होते हैं, एक शांत होता है एक अशांत होता है, सबके स्वभाव में ऐसा होता है, परोक्ष मतलब पीछे, परोक्ष प्रत्यक्ष, परोक्ष प्रत्यक्ष, या प्रच्छन्न प्रकट, प्रच्छन्न मतलब दिख नहीं रहा प्रकट, बंधन मोक्ष, मूक खूब ज्यादा बोलना, वाचाल मूक सॉरी यानी चुप, मूक वाचाल, मोम पत्थर, उपार्जित अनुपार्जित, तिरस्कार सत्कार, पुरस्कार दंड, ऐसे एक्शन करते रहेंगे आपको अर्थ भी याद होता चलेगा। सम्मान अपमान, सम्मान अपमान हम लोग भाई बहन आपस में करते हैं, जैसे सर्वनाक सम्मानपूर्ण, लुभावना घिनौना, आकर्षित प्रतिकर्षित, अहित हित, रहित सहित, तामसिक सात्विक, आध्यात्मिक भौतिक, आस्तिक नास्तिक, यथार्थ कृत्रिम, उचित अनुचित, औरत मर्द, खाली भरा, चित पट, शांति युद्ध, सृजन संहार। ऐसे आप साथ के साथ याद करते चलेंगे तो आपको याद होती चलेंगी चीजें, और दोहराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एग्जाम आता है तो एक बार वीडियो फ्लुएंटली आप देखते चलिए और रिवीजन करते चलिए, आपको चीजें याद हो जाएंगी। हम अगले वीडियो में फिर आएंगे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट के साथ, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। अगर अब वीडियो आपको जरा भी पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब शेयर, और अपने फ्रेंड्स को तो जरूर शेयर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर दें और हमको अप्रिशिएट करते रहें। आपके लाइक हमारे लिए बूस्टर या टॉनिक की तरह काम करते हैं, वो आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आप उसको देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।